अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है, इसके अंदर हम लोग रूल नंबर 10 और 11 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आए बगैर वक्त जाए कि इसे शुरू करें। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ ये कि अगर आपके पास कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यानी कि ऐसी चीजें जो कि यूनिवर्स के अंदर हमारे पास यूनिक है, या वो प्रोसेस नेचुरली होना ही होना है, तो वो चीज हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाती है। क्लियर है? तो यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ आपने याद रखना है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? यानी कि इसको उर्दू में आप लोग क्या कहते हैं? फेल। फेल के हमारे पास पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ। मिसाल देख लेते हैं। वो कहता है फास्फोरस ग्लो इन द डार्क। अब आप सोच रहे होंगे ये जुमला तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जुमला सही नहीं बल्कि गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो हमारे पास क्या होता है? अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब जो फास्फोरस है वो ऑलवेज क्या करता है? ग्लो करता है डार्क के अंदर, यानी कि आप अंधेरे के अंदर वो हमारे पास क्या करेगा? चमकेगा। और ये प्रोसेस ऑलवेज होगा। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास इसकी सही फॉर्म क्या होगी? वो कहता है फास्फोरस ग्लोज। क्या आ गया? सिर्फ ग्लो के साथ एस का इजाफा किया और जुमला आपके पास क्या हो गया? ठीक हो गया, यानी कि डार्क। दूसरा जुमला द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब आप कहेंगे इसमें क्या करती है जो जमीन है वो हमारे पास, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है कि जो जमीन है वो हमारे पास सूरज के चक्कर लगाती है। बिल्कुल लगाती है, लेकिन इसके अंदर भी वही लगती है जो हमारे पास पीछे थी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है जो कि सरासर गलत है। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो सही क्या होगा? द अर्थ revolves around the sun। जैसे ही यहाँ पे एस का इजाफा किया गया तो ये जुमला आपके पास क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि यहाँ पे गलत। अब नीचे आपको नोट नजर आ रहा है। नोट में आपने याद रखना है कि जब भी आप लोगों के पास यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए या कोई प्रोवर्ब आ जाए, प्रोवर्ब जिसको आप लोग जरबुल मिसल भी बोलते होंगे, तो आपने याद रखना है वहां पे जो हमारे पास टेंस इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, और जो हमारे पास वर्ब होगी वो ऑलवेज हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर आप इसकी मिसालें देख लें तो फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, टू एंड टू मेक्स फोर, आर रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस। तो ये हमारे पास कुछ प्रोवर्ब्स थी जो कि इसकी हमारे पास मिसालें थी। तो आपने इन मिसालों में नोट किया होगा कि हमारे पास जो टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। ये था रूल नंबर 10, इसको आप लोग जहन में बिठाए। अब रूल नंबर 11 की तरफ चले तो हमारे पास सिंक का मतलब होता है डूबना। सिंक का क्या मतलब है? डूबना। ड्रम का क्या मतलब है? डूबना। भाई अगर दोनों का मतलब डूबना है तो फर्क किधर? फर्क है। सिंक का मतलब होता है डूबना किसी बेजान चीज का, यानी कि किसी नॉन लिविंग चीज का डूबना आपके पास क्या कहलाएगा? सिंक कहलाएगा। लेकिन उसके बाद अक्स किसी जानदार का, किसी जान वाली चीज का, किसी लिविंग थिंग का डूबना आपके पास क्या कहलाता है? ड्राउन कहलाता है। अब आपको मिसाल दी गई है, वो कहता है द शिप वाज ड्राउन्ड इन द रिवर। अब सबसे पहले अगर आप लोग गौर करें तो आप लोग शिप को ही पकड़ लें, यही छुपा है इसका सही या गलत होने। अब ये जुमला आपके पास गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपके पास जो शिप है या जिसको आप लोग जहाज भी बोलते हो, समुद्री जहाज, वो क्या है? वो आपके पास एक बेजान चीज है। तो बेजान चीज के साथ ड्राउन नहीं आता, जबकि क्या आता है?
सिंह काका है, बाज, सैन, एमबी, के हिसाब से वर्ब को मूव कर रहा है। ये नहीं कि आपके पास पीछे पास इस्तेमाल हो रहा है तो आप उस वर्ब को क्या करो, सिंह की पुट कर दो, वो गलत हो। क्लियर है? अब वो कहता है द पीपल इन द बोर्ड सैंक इन द रिवर। अब गौर करें यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, लोगों का। द पीपल, वो लोग जो के कश्ती में थे। अब लोगों का जिक्र हो रहा है तो लोग, आपको पता है कि हमारे पास क्या है, जानदार है। जब भी जानदार का जिक्र आएगा तो आपके पास क्या इस्तेमाल होगा, आपके पास ड्राउन इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे गौर करें, वो कहता है द पीपल इन द बोट ड्राउन। वहां पे क्या सेकंड फॉर्म थी, उसको भी सेकंड फॉर्म में ही देखा है, इन द रिवर। तो ये था हमारे पास इन दो अल्फाज का फर्क, और साथ में एक यूनिवर्सल ट्रुथ का छोटा सा रूल। इसको आप लोग देख ले, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।